स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वोल्केनिक क्लासेस में। स्टूडेंट, आपको तो मालूम ही होगा हमारा जो सेशन चल रहा है एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी चैप्टर 3 का मैट्रिसेस। इसके पहले जो हम लोग क्लास जो सेशन किए थे मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 किए थे। 3.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1-5 किए थे। आज का जो हमारा सेशन है मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.15 के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया मेरा 4, 3, x, 5 इक्वल टू y z 1, 5। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या दिया है इंट्रोडक्शन क्लास में हम बता चुके हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया मेरा, इक्वल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इक्वल मैट्रिक्स हम इसमें क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, सिंपल सा इसमें x y z को फाइंड करने बोल रहे हैं। तो जब ये इक्वल मैट्रिक्स में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, ये क्या हो गया, कौन सा एलिमेंट हो गया a11, ये कौन सा एलिमेंट हो गया a11, यानी सेट a और सेट b, सेट a से हम लोग a11 वैल्यू लेंगे और सेट b से क्या लेंगे हम लोग b11 वैल्यू लेके बराबर कर देते हैं। ये हमारा रूल है। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग चलिए बनाते हैं। देखिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, y इक्वल टू 4, z का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो z इक्वल टू 3, x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 1, x का वैल्यू 1, तो ये तो फाइंड करना था मेरा x y z तीनों का वैल्यू आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल से क्या करना, जो एलिमेंट को यहां से लेंगे वही एलिमेंट हम लोग, जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए से लेंगे वही एलिमेंट हम मैट्रिक्स बी से लेते हैं, ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, वैल्यू आ जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस y 2 5 प्लस z एक्स वाई इक्वल टू 6, 2, 5, 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट है। क्या दिया अगर x प्लस वाई का वैल्यू कितना है मेरा 6 है, लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, पहला इक्वेशन मान लीजिए इसमें, इसमें देखिए कितना है 5 प्लस z का वैल्यू कितना मेरा 5, इसको ले लेंगे 5 प्लस z इक्वल टू 5, और क्या मिला हमको यहां से देख लो जेड का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 5 को इधर ले लेंगे क्या हो जाएगा मेरा जेड इक्वल टू 5 माइनस 5, कितना होगा जेड का वैल्यू मेरा 5 माइनस 5 क्या हो गया 0, जेड का वैल्यू मेरा आ गया 0। अब यहां एक इक्वेशन और बनेगा मेरा एक्स और वाई इक्वल टू क्या होगा मेरा 8, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। z का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब किसका वैल्यू फाइंड करना है x और y का। सिंपल से क्या करेंगे हम, x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 6 - y तो x का वैल्यू कितना है 6 - y, पुटिंग सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे क्या हो जाएगा
ये x into y है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे 6 माइनस y into y इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा y इंटू 6 6y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन है, इसको तोड़ेंगे, सिक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा इक्वेशन, बन गया। तोड़ेंगे, तोड़ने तो क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टर से करेंगे, कितने बार टूटेगा ये, 2 4, यानी हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे, क्या होगा y माइनस 4, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर y माइनस 4 कॉमन लेंगे, y माइनस 4 कॉमन लेंगे, क्या होता है y, अब y माइनस 4 यहाँ कॉमन लेंगे, क्या होता है माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन मिल गया। यहाँ से हम फाइंड करेंगे y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, y का वैल्यू मेरा 2 आया, क्या एक आया मेरा 4, एक आया मेरा 2। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में y के वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए अगर हम लोग इफ y को वैल्यू 4 रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे y x प्लस y को वैल्यू कितना रखेंगे 4 इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना मेरा 2 हो गया। अब देखिए y का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते तो क्या होगा, y इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन मिलेंगे x प्लस y के वैल्यू कितना मेरा 2 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 4। तो मेरा x y z के वैल्यू क्या क्या लिखना है, मेरा x का वैल्यू लिखा गया है एक 4 लिखना है, ठीक है, एक x के वैल्यू में 4 लिखना है, एक x के वैल्यू में 2 लिखना है, एक y के वैल्यू 2, y के वैल्यू 4 और z के वैल्यू मेरा 0। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम x इक्वल टू 4 और 2, y इक्वल टू 4 और 2 और z का वैल्यू हो जाएगा मेरा 0। ये हमारा x y z का वैल्यू फाइंड हो गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का ही दूसरा क्वेश्चन था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ही तीसरा नंबर में। x प्लस y प्लस z x प्लस z y प्लस z, नाइन फाइव सेवन। अब देखिए मेरा इक्वल मैट्रिक्स दे दिया, अब इसमें देखिए क्या डील करना है, पहला इक्वेशन क्या हो गया मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो वैल्यू कितना आ रहा है 9,
दूसरा इक्वेशन क्या मिला है, x प्लस जेड इक्वल टू फाइव। तीसरा क्या मिला है, y प्लस जेड इक्वल टू सेवन। ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखें यहां से लोग फाइंड करेंगे, यहां से देखिए x और z का वैल्यू इसमें अगर हम रख दें क्या y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए x और z के वैल्यू कितना है, फाइव। तो यहां पर x और z के वैल्यू क्या करेंगे, ये x और z के वैल्यू कर देंगे फाइव प्लस y इक्वल टू नाइन। यहां से y का वैल्यू क्या आएगा मेरा, y इक्वल टू नाइन माइनस फाइव इक्वल टू फोर। y का वैल्यू आ गया मेरा, क्या किए हम लोग x और z के वैल्यू क्या किए हैं, फाइव था, फाइव यहाँ पुट कर दिए, तो यहाँ क्या बचा है फाइव प्लस वाई, तो y का वैल्यू आ गया मेरा फोर। अब जब y का वैल्यू मेरा आ गया फोर, तो y की वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर दें तो क्या z का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू कितना मेरा फोर, 4 प्लस जेड इक्वल टू सेवन। तो जेड इक्वल टू सेवन माइनस 4 को इधर ले जाएंगे क्या जाएगा माइनस 4, सात में 4 गया 3, जेड का वैल्यू कितना मेरा 3 आया। अब देखिए वाई का वैल्यू मान लो 4, जेड का वैल्यू मान लो 3। अब यहाँ पर देखिए अगर जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में तो मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा क्या है x प्लस जेड, जेड के वैल्यू कितना मेरा 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 को उधर जाएंगे क्या होगा माइनस में 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। मेरा वैल्यू फाइंड हो गया, क्या क्या होगा मेरा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। तो ये होगी मेरा एक्स वाई जेड का वैल्यू, ये फाइंड करने पड़ा था एक्स वाई जेड का। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, इक्वेशन कर फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, इक्वेशन लिख लीजिए क्या है ए माइनस बी टू ए प्लस सी टू ए माइनस बी थ्री सी प्लस डी इक्वल टू माइनस वन फाइव जीरो थर्टी। ये देखिए मैंने इक्वल इक्वेशन दे दिया है, अब पुट करेंगे हम क्या लिखाना है, ए बी सी और डी का वैल्यू लिखाना है। अब यहां से देखिए मेरा इक्वेशन क्या मिलेगा मेरा ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन पहला इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ ए माइनस बी दिख रहा है, यहीं से ले लेंगे टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्या होगा मेरा एडिंग करेंगे एडिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन और 2a माइनस बी इक्वल टू जीरो। एड करेंगे क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस साइन चेंज हो जाता है यहाँ माइनस
ये बी भी कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस टू में से ए घटाएं क्या होगा माइनस ए इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल यानी ए इक्वल टू वन, ए का वैल्यू कितना मेरा वन। तो ए का वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में लगाएंगे तो बी का वैल्यू कितना जाएगा तो ए का वैल्यू कितना है ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू हो गया वन माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, माइनस बी को उधर ले जाएंगे क्या होगा मेरा वन, इसको उधर ले जाएंगे क्या होगा प्लस वन इक्वल टू बी एंड टू इक्वल टू बी, बी का वैल्यू कितना आ गया मेरा टू, ए और बी का वैल्यू आ गया। अब देखिए इसमें ये और इक्वेशन लेते हैं, अब क्या है टू ए प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा टू ए प्लस सी इक्वल टू फाइव, ए का वैल्यू मालूम है, ए का वैल्यू कितना है मेरा वन, टू इंटू वन प्लस सी इक्वल टू फाइव, टू वन जै टू प्लस सी इक्वल टू फाइव, सी इक्वल टू फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री, सी का वैल्यू आ गया। अब ये वाला इक्वेशन लेते हैं थ्री सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्टीन, थ्री हो गया सी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना है मेरा थ्री प्लस डी इक्वल टू थर्टीन, थ्री जा नाइन प्लस डी इक्वल टू थर्टीन और डी इक्वल टू क्या हो गया थर्टीन माइनस नाइन, डी इक्वल टू नाइन, थर्टीन माइनस नाइन का कितना होगा फोर। तो किसका किसका वैल्यू फाइंड करना था मैंने ए बी सी और डी का, तो फाइंड हो गया ए का वैल्यू कितना मेरा वन, बी का वैल्यू कितना है मेरा टू, सी का वैल्यू कितना फाइंड आया मेरा थ्री और डी का वैल्यू कितना आया मेरा फोर, तो चार को वैल्यू फाइंड हो गया हमारा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर एट, ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए एन लेस देन एन B n greater than n C n equal to n D none of these, ये हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन वही में A equal to मैट्रिक्स में क्या A I J to n E J square matrix, ये कौन सा मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमको ऑप्शन बोल रहा है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हम हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में बताया क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं, तो नंबर ऑफ क्या था मेरा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो रो क्या बोलते हैं लोग एन और कॉलम क्या बोलते हैं एन, अगर मेरा रो और कॉलम बराबर रहे तो क्या बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कौन सा ऑप्शन हो गया m लेस देन n ये भी नहीं होगा, m ग्रेटर देन n ये भी नहीं होगा, m इक्वल टू n, तो ऑप्शन नंबर सी। कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जब कोई भी पूछेगा स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो बोले हम सिंपल से कि ऑर्डर यानी रो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम,
यानी m इक्वल टू n रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 Which of the given values of x and y make the following pairs of the matrices equal? इसका वैल्यू फाइंड करना है मेरा। 3x plus 7, 5, y plus 2, sorry 1, 2 minus 3, x जीरो, y माइनस टू, एट, फोर। अब इसमें हमको दे दिया, क्या दे दिया, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। दोनों हमको क्या दिया मेरा, मैट्रिक्स क्या मेरा इक्वल दिया है। इसका हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है x और y का। तो क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, जब भी पेयर है क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। अब यहां देखिए 3x plus 7 equal to 0, तो 3x equal to plus 7 को तो लेंगे और minus 7, तो x पर क्या आया minus 7 by 3, ये x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखिए y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y plus 1 equal to 8, तो y equal to plus 1 इधर जाके आगा 8 minus 1, 8 में से 1 किया 7, तो हमारा x का वैल्यू कितना है मेरा 7 minus 7 by 3, और y का वैल्यू कितना है मेरा 7। अब इसमें देखिए ये भी इक्वेशन 2 minus 3 x भी लेते तो मैं क्या आता, x का वैल्यू हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। कौन कौन से इक्वेशन को हम लिए थे, ये इक्वेशन और इसको लिए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 माइनस 3x भी है, ये इक्वेशन से देखिए x का वैल्यू हमेशा सेम आना चाहिए, चाहे ये इक्वेशन ले चाहे ये इक्वेशन है, मैं हमेशा क्या आएगा x का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। इसी इक्वेशन से देखते हैं, 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 4, 2 4 के बदले क्या होगा मैथ 4 इक्वल टू 3x, 2 में से 4 गया माइनस 2 इक्वल टू 3x, माइनस 2 बाय 3 इक्वल टू x। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू माइनस 2 बाय 3, यहाँ पर x का वैल्यू मेरा क्या है, एक आया मेरा माइनस 7 बाय 3, एक x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2 बाय 3। तो कभी भी मेरा इक्वेशन में 2x का वैल्यू आता है तो ये मेरा क्या होगा, ये मैट्रिक्स में क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा, यानी एक मैट्रिक्स में इक्वल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या है। पहला नंबर ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, x इक्वल टू माइनस 1 बाय 3, y इक्वल टू 7, ऑप्शन बी दे रहा है मेरा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। देखिए ऑप्शन बी क्या मेरा दे रहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं x का वैल्यू क्या है माइनस 7 बाय 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर क्या है x इक्वल टू माइनस 2 बाय 3, वैल्यू मेरा सेम नहीं आ रहा। तो जब भी मेरा x का वैल्यू सेम नहीं आ रहा तो क्या करते हैं लोग, वो मैट्रिक्स का हम लोग वैल्यू यानी x और y के वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स मैट्रिक्स of order
3 इंटू 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 ईच। ऑप्शन दिया है 27, बी 18, सी 81, डी 512। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या मेरा है 3 इंटू 3 का ऑर्डर, क्या निकालना है इसमें 3 इंटू 3 का ऑर्डर हमको क्या निकालना है, पॉसिबल मैट्रिसेस निकालना है और एंट्री क्या है मेरा 0 और 1। ऐसे क्वेश्चन क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है हमारा, ये क्लास 11 में परमुटेशन पढ़ चुके हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ले लिए, ऑर्डर क्या लेना है हमको 3 इंटू 3 ऑर्डर लेना है। 3 इंटू 3 ऑर्डर में कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पर, 3 3 9, यानी 9 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल एलिमेंट में हो गया 9, 3 रो 3 कॉलम, टोटल एलिमेंट 9 हो गया। इसमें कह रहा है कि 0 और 1 यानी हर एक प्लेस पे, इस प्लेस पे क्या हमको दो वैल्यू लेना है, या तो यहाँ पर 0 होगा या तो मेरा क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो हम लोग कॉम्पिटेशन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल हमारा क्या कहता था, सिंपल सा प्लेस कितना हमारे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्लेसेस हो गए हमारे, कहाँ से लिए प्लेसेस, 3 टू 3 क्या था 9 प्लेस हो गया, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्लेस हो गया। हर एक प्लेस पर कितने एलिमेंट को रखना है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा मेरा 2 एलिमेंट, कितना है यहाँ पर 2 एलिमेंट, यहाँ पर भी 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 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट यहाँ पर भी। तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई ये हम लोग कॉम्पिटिशन में क्लास 11 में सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई करते थे। तो आंसर क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्या होगा 2 का पावर 9, कितना होगा 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें कितना होगा 512। तो 512 मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। ऐसा जब भी हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, प्लेस शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर दे देगा, मान लीजिए यहाँ पर दे दिएगा कि 1 2 3, यानी हर एक प्लेस पर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, तो हम लोग कितने पॉसिबिलिटी हो जाएगा, हर एक प्लेस पर कितना पॉसिबिलिटी हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हर एक प्लेस में कितना होगा 1 2 3, यानी 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर भी होगा, 3 यहाँ पर भी होगा। अब जितने एलिमेंट रहेंगे हमारे उसका क्या करेंगे हम लोग, पावर डाल देंगे। अगर हमारे यहाँ पर एलिमेंट होता है मेरा 7 एलिमेंट होता, तो हम क्या करते हैं, हम लोग 3 को पावर 7 डाल देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज का हमारा सेशन ये समाप्त होता है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।